आप सभी लोग देखते होंगे, जब भी हमारे देश में कभी भी चुनाव होता है तो एक शब्द आपको सुनाई देने लगता है, चुनावी बॉन्ड। आखिर देखेंगे आखिर है क्या है। और अभी आप देख रहे हैं बिहार में चुनाव है विधानसभा का, तो इसके संदर्भ में फिर से ये चर्चा में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाऊंगा अगर दिखाई नहीं दे भी रहा होगा। देखिए ये है आपका बिहार, कहाँ है ये है हमारा बिहार। आप जानते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, ये है बिहार, ठीक है। याद रखिए इसकी सीमा नेपाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसमें अगर विधानसभा सीटों की हम बात करें तो 243 सीटें हैं, कितनी 243 सीटें हैं, 243। और विधान परिषद भी है यहाँ, तो यहाँ देखें विधान परिषद में आप लोग 75 सीटें देखेंगे। अगर राज्यसभा की बात करें तो 16 सीटें, लोकसभा की बात करूं तो 40 सीटें, तो इसलिए भी लोकसभा में आप देख रहे हैं 40 सीटें हैं, तो इसलिए भी बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन एक तरह से बिहार का चाहे आप लोग दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, स्थिति खराब है। फिर चाहे आप लोग महिलाओं के पढ़ने की बात कर लीजिए, महिलाओं की स्थिति, या गरीबी की बात कर लीजिए, या शिक्षा की बात कर लीजिए आप लोग, अब रोजगार की बात कर लीजिए। आप देखते होंगे अभी बाढ़ आई हुई है, हर बार आती है बरसात के टाइम, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं नेता। मतलब आप सोचिए सबसे बड़ी मतलब एक शर्म की बात तो उस समय लगी, पता है आपको, जब आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव चल रहा था, तो नीतीश कुमार साहब अभी जो सीएम है वहां के करंट में, ये दिल्ली में प्रचार करने के लिए आए हुए थे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनके सहयोगी दल है ना। तो इन्होंने कहा कि कभी दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है, कभी आइए बिहार, मैं दिखाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं नेताओं में शर्म शर्म भी नहीं रहती है, वो भी खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद। दिल्ली को, दिल्ली के स्कूलों से आज पूरी दुनिया, हम ही नहीं आप ही नहीं, दुनिया परिचित है। अगर कोई बाहर का लोग व्यक्ति आता है तो वो दिल्ली के स्कूलों की हालतों की, यानी कि दिल्ली के स्कूलों की बड़वाई करता है एक तरह से, उसकी मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल के जाता है कि बहुत अच्छे काम किया हुआ है। फिर चाहे आप लोग हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, दिल्ली स्वास्थ्य व्यवस्था की, स्कूलों की, आज कह रहे हैं कि अभी रिजल्ट आया हुआ था कुछ समय पहले, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कोर किया है सरकारी स्कूलों ने। और आप समझिए गरीब को, और फिर चाहे किसी भी व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, बेहतर उसे स्वास्थ्य मिल जाए और बेहतर उसके बच्चों के लिए शिक्षा मिल जाए, इससे आगे उसे कुछ नहीं चाहिए सरकारों से। तो अभी आपने देखा है कि दिल्ली के स्कूल हमारे पूरे भारत में नंबर 1 पर है, 95 से 96% तक स्कोर किया जा रहा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। अब आप समझ सकते हैं, कभी आप लोग देखिए वीडियो बहुत दूर डले हुए हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्कूलों की हालत वहां की क्या है। खैर छोड़िए, चलते हैं आर्टिकल पर हम लोग। केंद्र सरकार अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री की अनुमति दे सकती है। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को 2 जनवरी 2018 को आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया था, जिसमें समय समय पर चुनावी बॉन्ड जारी करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। एक तरह से कहिए कि आप हम लोग जो दान देते हैं, कहीं करते हैं किसी पार्टी को, जो भी राजनीतिक दल होता है, तो उसे एक तरह से चुनावी बॉन्ड कहते हैं। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा, यानी कि 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ के गुटकों में जारी किए जाते हैं, यानी कि इस हिसाब से दे सकते हैं आप लोग। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि आज हम लोगों ने खरीदा ये बॉन्ड तो 15 दिन के लिए ही वैध रहेगा जारी करने से। यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। अब देखिए आप लोग, जैसे आप हैं, दो तीन और आपके दोस्त हैं, ये एक तरह से मान लीजिए आप लोग राजनीतिक पार्टियां हैं। अब हम किसी भी पार्टी का खरीदते हैं, जैसे आपका खरीद लिया बॉन्ड, आपके चुनावी बॉन्ड खरीद लिया, तो आपके क्या होगा कि आपके खाते में आपकी, यानी हमने आपको दान दिया एक तरह से, ठीक है, यही मतलब होता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक पार्टी
और हालिया लोकसभा या राज्यसभा राज्य चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया जाता है। कितना? लोकसभा हो या फिर राज्य चुनाव में कम से कम 1% जो पार्टी हासिल कर लेती है, कोई भी पार्टी मतलब, उसे एक तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग द्वारा एक खाता आवंटित किया जाएगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो चुनावी बॉन्ड लेने यानी कि वो दान लेने के लिए एक तरह से उसके लिए योग्यता है। चुनावी बॉन्ड को का लेन देन केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। और याद रखिए, सत्यापित खाता आपको तभी मिलेगा जब 1% आपको मत हासिल करने होंगे आपकी पार्टी को। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक या भारत में शामिल या स्थापित है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। एक व्यक्ति या तो अकेले या फिर अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है। अब कहने का मतलब है कि आप हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे अगर आप चाहें भी कि किसने दिया है दान, तो इसका पता नहीं चलेगा क्योंकि नाम का उल्लेख नहीं रहेगा। आम चुनाव के दौरान केंद्र सरकार इन बॉन्डों की बिक्री के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट कर सकती है। ऐसे कुछ अवसर आए हैं जब सरकार ने इन बॉन्डों को जारी करने की लिए निर्दिष्ट अधिक अवधिता से विचलन किया है। उदाहरण के लिए 1 से 10 नवंबर 2018 से चुनावी बॉन्ड की 6ठी किस्त जारी की गई और वर्ष 2019 के आम चुनाव के दौरान मार्च, अप्रैल और मई के महीने में चुनावी बॉन्ड बेचे गए। आम चुनाव का मतलब यही है कि लोकसभा चुनाव। अब बात करते हैं इस पर विवाद की स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न होती है। हालांकि पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी चुनावी चंदा मिलता था वह मुख्यतः नगद में दिया जाता था, जिसमें काले धन की संभावना काफी बढ़ जाती थी, परंतु चूंकि वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत चुनावी बॉन्ड केवल चेक या ई भुगतान के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है, जिससे काले धन की संभावना कम होती है। हालांकि यह भी अधिक विवादास्पद है। याद रखिए, भारत है, एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ कोई ना कोई ऑप्शन निकाल ही लिया जाता है, ठीक है। तो हमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और हमें एक बैलेंस बनाना है, लेकिन हकीकत आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं और दुनिया जानती है, देखिए कि भारत कहाँ है, हमारे यहाँ के नेता किस तरह के हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या, हम तो परीक्षा में लिखना है, हमें नंबर चाहिए, इसलिए हमें बड़े बैलेंस बनाकर लिखना है। वही कहते हैं ना कि अंधे को उसके सामने मुंह पर अंधा नहीं कहा जाता है, तो यही हाल हम लोगों के साथ भी है। हमें मालूम है कि अंधा है, फिर भी हम अंधा नहीं बोल सकते। अनामिता, ना तो दान देने वाला जो एक व्यक्ति या फिर एक कॉर्पोरेट हो सकता है, ना ही राजनीतिक दल, यह बताने के लिए बात है कि दान किससे आता है, यानी कि आप एक तरह से गुप्ती कह सकते हैं। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिन राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान मिलता है उन्हें भारत निर्वाचन आयोग को विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह व्यवस्था राजनीतिक जानकारी की स्वतंत्रता के मौलिक संवैधानिक सिद्धांत की अवहेलना करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का एक अनिवार्य तथ्य है। यह आपके मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है। भाग 3 में आपका 19 में आप देखते हैं बोलने की स्वतंत्रता, इसी में आप देखते हैं मीडिया की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चलने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सभी इसी में आर्टिकल 19 में दी गई है। वित्तीय अपारदर्शिता, यह राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के मूल सिद्धांत की अवहेलना करता है, क्योंकि यह सार्वजनिक जांच, कॉरपोरेट और संपत्ति की पहचान छिपाने में मदद भी करती है। असममित अपारदर्शिता, सरकार हमेशा यह जानने की स्थिति में है कि दान दाता कौन है, यानी कि दान किसने दिया है, क्योंकि बॉन्ड केवल SBI के माध्यम से खरीदे जाते हैं। काले धन का माध्यम, कोई भी विक्षुब्ध खत्म हो रही कंपनी या सेल कंपनियों कंपनी या किसी राजनीतिक पार्टी को गुमनाम रूप से असीमित राशि दान कर सकती है, उन्हें व्यापार के लिए एक सुविधाजनक मार्ग दे सकती है। ये तो आप भी देखते हैं कि कई घराने हैं जो हमारे देश के, वो जो उन्हें दिखता है कि जो पार्टी जीत रही है, जिसकी सरकार भारत में बन रही है, तो उसे एक तरह से सपोर्ट कर देती है, समझ रहे हैं, हर तरह से, और बाद में आप देखते हैं कि उन्हें सुविधा भी दी जाती है व्यापार करने में। तो आगे की राय क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता के क्षरण को रोकने के लिए साहित्यिक सुधारों के साथ साथ शासन प्रणाली और राजनीतिक वित्त पोषण के
प्रभावी नियमन को ठीक करने की आवश्यकता है। संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए मौजूदा कानून में खामियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। ऐसे मतदाता जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है जो भारत के नागरिकों को परिवर्तन की मांग करने के लिए प्रेरित कर सके। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करना प्रारंभ कर दे जो अति व्यय करती हैं, यानी कि अधिक व्यय करती हैं, उन्हें रिश्वत देते हैं, तो देश का लोकतंत्र स्वयं ही एक स्तर ऊपर उठ जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों को बताया भी था, जब आपने देखा होगा अन्ना हजारे की मैंने बायोग्राफी कवर की हुई, उनके बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया गया। तो कहीं देख रहा था मैं कि उनसे कहा गया कि तुम चुनाव खुद क्यों नहीं लड़ लेते हो, तो उन्होंने कहा, एक शब्द कहा कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वोटर है वो 500 1000 रुपये में पलट जाता है। और याद सोचिए, याद रखिए, हमारी यही हमारे भारत को एक तरह से पीछे धकेल रहे हैं और लोकतंत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है। जब तक आपके देश का मतदाता जागरूक नहीं होगा हमारे देश का, तब तक हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। दिल्ली में आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आपने देखा है कि विपक्ष पूरी तरह से जमीन पर उतर चुका था। फिर चाहे आप गृह मंत्री साहब को देख सकते हैं, बाकी पूरे मतलब जितने भी मुख्यमंत्री थे भारत में उस पार्टी के और जितने भी सांसद थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाया, क्योंकि उसने काम किया था। हकीकत यही है। उसके बाद आपको अगर तसल्ली देने हैं अपने आप को, तो कुछ भी आप बक सकते हैं उसमें कोई आपके, क्योंकि आपके अगर दिमाग में एक तरह से गुलामी टाइप की है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको जागरूक भी नहीं कर सकता है। तो यही हाल अधिकतर लोगों का देखा जा रहा है, लेकिन उसने काम किया है, शिक्षा भी दी हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था दी हुई है, जल पानी इस तरह की जो नॉर्मल एक तरह से हर किसी की जरूरत है उन पूरा किया है उन्हें। और कई लोगों के दिमाग में, कई लोग मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि कहते हैं फ्री का मिलता रहता है, अरे फ्री का मिल रहा है, तो मैंने उन लोगों को भी देखा है और आप लोग भी, कभी कोई अगर इस तरह की बात कर रहा है तो उसके अंदर उसे देख लिया करिएगा अच्छे से। वो भी उसमें लाइन में लगे हुए थे जब फ्री का जियो की सिम बढ़ रही थी। तो ये मत करिए कि फ्री का लेना हमें पसंद नहीं है, हर जगह स्थिति आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। बस इतना ही है कि हर किसी को दूसरे के घर में झांकने की आदत है, अपने घर में कुछ भी चल रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वही हाल है कि अगर अपने अंदर झांक के देख ले तो मैं कहता हूँ कि 95% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम अपनी गलतियों की यानी कि अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते हैं। चलिए खैर छोड़िए, अपनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण हो, प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस बनते रहे हैं इनसे और मेंस में भी बनते रहते हैं, तो बड़े ध्यान से याद रख लीजिए।